Hi everyone, welcome to Be My New IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. ये वो सीरीज है जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स में भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सो क्यों हम इसको करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया शायद आपका स्टैटिक में भी जो है आप पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक में डिजीजेज का जो पार्ट होता है उसके अंदर आप इसको पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047, राइट। सो ये एक बहुत रिसेंट एक मिशन है और इसमें टाइमलाइन भी आई है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम टू द पॉइंट सीरीज के अंदर एज करंट अफेयर जो है डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया का, इसको हम थ्री पार्ट्स में जो है शॉर्ट में ही तीन हिस्सों में जाके हम इसको पढ़ेंगे। पहला कि डेटा पॉइंट क्या बोलता है कि सिकल सेल एनीमिया की प्रेवलेंस इंडिया में है कितनी। दूसरे सेगमेंट में हम देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया अपने आप में क्या है, ये आता कैसे है, है ना। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे प्लान किया है कि इसको एलिमिनेट करना है। तो ये जो है हमारा फ्लो रहने वाला है इस शॉर्ट वीडियो का। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि जो टू द पॉइंट सीरीज है जो राइट नाउ अभी आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली कवर करते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से करंट अफेयर्स को। सो इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। इट्स करंट अफेयर्स कोर्स फॉर बोथ प्री एंड मेंस एंड इट इज अवेलेबल इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्मेट। ये कोर्स कैसे काम करता है और आपका इससे कैसे फायदा होगा एंड व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी बिहाइंड दिस कोर्स, तो आई विल टेल यू। थोड़ा सा पहले टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं इस टॉपिक के अंदर सिकल सेल एनीमिया में, देन विल गेट बैक टू दैट ओनली। सिकल सेल एनीमिया, सो वही ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लान टू लॉन्च अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। थोड़ा डेटा पॉइंट पहले देख लेते हैं। वैसे सिकल का मतलब होता है दो औजार नहीं होता, जो क्रिसेंट शेप का जो औजार होता है उसके नाम पे जो है इसके ऊपर पड़ा है कि सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मल जो हमारा एक रेड ब्लड सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, सिकल सेल जो है वो ऐसा दिखता है, राइट। सो होता क्या है कि इस रेड ब्लड सेल के अंदर, बहुत क्रूड लैंग्वेज में, बहुत आसान लेमैन लैंग्वेज में, कि रेड ब्लड सेल के अंदर वी हैव हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक जेनेटिक एरर आ जाता है और उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है एंड इट बिकम्स सिकल शेप या क्रिसेंट शेप। चलिए पहले चलते हैं इसके डेटा पॉइंट के ऊपर कि डेटा क्या बोलता है इसमें। इंडिया अलोन इज होम टू 1.5 लाख पेशेंट्स विद SCD, इट स्टैंड फॉर सिकल सेल डिजीज ओनली, एंड अबाउट 88% ऑफ SCA सिकल सेल एनीमिया केसेस इन एशिया। तो इंडिया के अंदर 1.5 लाख पेशेंट करंटली और 88% ऑफ एशियन केसेस जो है वो इंडिया में ही है, राइट। तो इंडिया के लिए इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, राइट। बहुत बड़ा नंबर है जो इंडिया के पास जो है वो इस टाइम है एंड इट्स अ पेनफुल डिजीज टू हैव, राइट। तो इसको एलिमिनेट करना इट शुड बी अ प्रायोरिटी एंड अब है भी और टाइमलाइन के साथ भी आया है। एंड यू विल सी कि 2047 ही इसकी टाइमलाइन क्यों रखी है, विच इज़ लाइक अभी रफली 25 ईयर्स के बाद की जो है आपको इसकी जो टाइमलाइन है वो देखने को मिलती है कि तब जाके ये एलिमिनेट होगा। देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट को, डेटा पॉइंट को। द डिजीज इन इंडिया अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन ईस्टर्न गुजरात। और जैसे जैसे मैं ये पढ़ता जाऊंगा आपके दिमाग में ना एक मैप सा बनेगा कि एक एरिया हाईलाइट होगा कि जहां पर मैक्सिमम केसेस जो है आपको देखने को मिलते हैं। अकर्स प्रीडोमिनेंटली, सोलली नहीं, प्रीडोमिनेंटली। तो अगर ऐसे कोई आएगा कि ये केसेस सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और बाकी इंडिया में नहीं है तो स्टेटमेंट गलत होगी। द डिजीज इन इंडिया अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन ईस्टर्न गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न उड़ीसा एंड इन पॉकेट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स, है ना, कहाँ पे, इन नॉर्थ तमिलनाडु एंड केरला, राइट। तो ये इसका एरिया है जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली है ये पाया जाता है। द डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। इवन जो हमारा एक्शन प्लान भी है ना वो 2047 वाला जिसको हम देखते हैं अभी, उसके अंदर भी यू विल सी कि जो मोस्टली जो टैकल किया जा रहा है वो ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से ही उसको टैकल किया जा रहा है और ये ज़्यादा प्रेवलेंट ट्राइबल पॉपुलेशन में ही है। डेटा पॉइंट क्या बोलता है, पहले हम ये वाला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सिकल सेल एनीमिया इज वाइड स्प्रेड अमंग ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया।
वेयर अबाउट 1 in 86 बर्थ्स अमंग एसटीज हैव सिकल सेल एनीमिया, 1 in 86 बर्थ्स, है ना। तो बहुत हाई नंबर है ये, और मिनिस्ट्री का डेटा है। तो देखो क्लास में जब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल बताया जाता है कि इस टाइप के पॉइंट को हम किस तरीके से मेंस में यूज़ कर सकते हैं हमारे अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो इसका टॉपिक का हो ना हो, लेकिन सच टाइप ऑफ पॉइंट्स आपके किसी भी आंसर को जो है वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। बस स्टाइल से थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना होता है और आपकी वैलिडिटी जो है उस आंसर की एंड योर मार्क्स वो इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। सो इसी मोमेंट पे लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्स, उसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रेलिवेंट लग रही है। अभी अभी बताए थे करंट अफेयर्स को 3 हिस्सों में कवर किया जाता है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। नंबर 1, यू गेट अ क्लास सैटरडे एंड मंडे को आपकी एक क्लास होती है करंट अफेयर की, जिसके अंदर जो प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स होते हैं उनको हाईली क्यूरेटेड फॉर्म के अंदर आपको क्लास में बताया जाता है। एंड वहाँ पे जो है एक डिस्कशन टाइप क्लास रहती है, वो थॉट प्रोवोकिंग क्लास रहती है, ताकि आपको वो करंट अफेयर पूरा समझ में आ जाए, प्लस आपकी बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको सोचना आ जाता है, एक करंट कॉन्टेक्स्ट मिलता है आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर, राइट। अगेन नीडलेस टू से कि करंट कॉन्टेक्स्ट अगर आपको हर सब्जेक्ट में आ गया तो ऑटोमेटिकली आपके जो मार्क्स हैं वहाँ पे वो काफ़ी इंक्रीज होंगे एंड आपके चांसेस भी सेलेक्ट होने के काफ़ी इंक्रीज होंगे। सेकेंड इज यू गेट वीकली PDFs ऑफ करंट अफेयर्स। तो वीकली PDF जो आपको करंट अफेयर के मिलते हैं, अगेन हाईली क्यूरेटेड PDFs, बहुत बड़ी PDF नहीं है कि देख के घबरा जाए कि इतने सारे पेज हैं उसके अंदर, बहुत हाईली क्यूरेटेड PDF जिसके अंदर आपका स्टैटिक पोर्शन की रिसर्च भी डन होती है, डायनेमिक तो उसमें होता ही है। सो अगर आप वो PDF कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपने पिछले हफ्ते के 2 या 3 न्यूज़पेपर जितने भी हैं वो आपने कवर कर लिए हैं उस PDF के थ्रू। नंबर 3, टू फोर्टिफाई एंड चेक ऑल ऑफ द अबव, वी हैव वीकली टेस्ट्स, जो कि अगेन आपके जो पोर्टल है, अभी PDF का पोर्टल है, आपका जो डैशबोर्ड बनेगा वहाँ पे आपको वीकली टेस्ट भी आपको करंट अफेयर्स के जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वंस यू डू दीज 3 थिंग्स, है ना, जिसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं है, वंस यू डू दीज 3 थिंग्स यू कैन कंसिडर कि करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल है, जिसकी आमतौर पर बहुत टेंशन सी रहती है एस्पिरेंट्स को कि यार करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर करना है, वो रह गया मेरा, इस महीने का रह गया, इस महीने का रह गया, तो इस स्ट्रेटेजी से करते हैं तो बहुत साइड बाय साइड, बहुत हल्के फुल्के तरीके से, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आपका जो पूरा है वो कवर हो जाता है। एडिंग टू दिस यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल एज वेल। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप एक क्लासेस लगाइए, एक दो क्लासेस में आइए, देखिए द क्वालिटी ऑफ क्लास एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, 1 in 86 हम देख रहे थे कि डेटा पॉइंट यहाँ पे है कि 1.5 लाख पेशेंट इंडिया के अंदर है, राइट। 88% ऑफ केसेज इन एशिया वो इंडिया के हैं, ये रीजन है जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जो सिकल सेल एनीमिया है वो देखा जाता है, और ये प्रेवलेंट है ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, जिसके अंदर जो हमारा MOTA मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो डेटा है वो बोलता है कि 1 in 86 बर्थ्स अमंग एसटीज हैव सिकल सेल एनीमिया, राइट। एक और डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बोल रही है, दैट इज SCD इज अफेक्टिंग मोर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड नियरली, देखिए यार थोड़ा ध्यान से, 20% ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन विद SCD डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 2, 30% ऑफ द चिल्ड्रन डाई बिफोर रीचिंग एडल्टहुड। तो ये काफ़ी बुरा हाल है इस डिजीज का, और ट्राइबल पॉपुलेशन इससे काफ़ी बुरी तरह ग्रस्त है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको वो हाईलाइट कर रही है, डेटा पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए थोड़ा डिजीज के बारे में समझते हैं। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि द शेप ऑफ द सेल ऑफ RBC इट चेंजेस टू अ सिकल शेप, क्रिसेंट शेप में वो आ जाता है। यहां देखते हैं क्या चीज है ये, इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। सो यहां पे अगेन एक पॉइंट आएगा कि इनहेरिटेड डिजीजेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के थ्रू ही जो है ये डाउट आया था कि इनहेरिटेड डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जब एक्शन प्लान आएगा गवर्नमेंट का तो आपको समझ में आएगा कि ओके कि गवर्नमेंट कैसे इसको कंट्रोल करने वाली है। और इसमें एक और केवियट है कि इनहेरिटेड भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक पेरेंट को था तो आपको वहाँ से आ गया, बोथ पेरेंट शुड हैव द जीन, तब जाके जो है ये आने वाली जनरेशन के अंदर आता है, राइट। तो इफ़ यू कट वन जनरेशन आउट, कि अगर 2 सिकल सेल वाले एनेमिक पर्सन हैं तो उनको अगर मैट्रिमनी में ना टाई किया जाए तो जो है जो किड है वो बच जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, अवेयरनेस, कि अगर उनको पता होगा कि आई एम एनेमिक विद, मेरे को SCD है, राइट, तो आई शुड नॉट एलोप विद समवन हु आल्सो हैज SCD। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन,
फर्स्ट अगेन फर्स्ट से शुरू करते हैं हम कि इट इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर. इट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन द मॉलिक्यूल इन द रेड ब्लड सेल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन इज द मॉलिक्यूल दैट डिलीवर्स रेड ब्लड सेल. पीपल विद दिस डिसीज हैव ए टिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, अगेन ये फैक्चुअल है, ये आपको डायरेक्टली जो है आपके पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है. यूपीएससी के अंदर भी अगर ये कोई आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी. ये पूछा जा सकता है कि कौन सा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, क्या है वो जो आपको करता है, जो डिस्टॉर्ट कर रहा है, दैट इज हीमोग्लोबिन एस विच कैन डिस्टॉर्ट रेड ब्लड सेल्स इन टू अ सिकल और क्रिसेंट शेप. मूविंग फॉरवर्ड, दीज सिकल सेल ऑल्सो बिकम रिजिड एंड स्टिकी. तभी तो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं. क्या होता है इसे, दिस ब्लॉक्स ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो ये हार्मफुल क्यों है ये तो समझाने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज द प्रॉब्लम सिकल सेल एनीमिया की. मूविंग फॉरवर्ड, कॉज क्या करता है इसको. द कॉज ऑफ सिकल सेल डिजीज इज डिफेक्टिव जीन कॉल्ड अ सिकल सेल जीन, राइट. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे. अ पर्सन विल बी बॉर्न विद सिकल सेल डिजीज only if two genes are inherited, one from mother and one from the father, right. ये condition है only if, कि दोनों के अंदर वो अगर वो gene दोनों से inherit करेगा तो a person will be affected. चलिए symptoms, it can cause severe pain referred to as sickle cell crisis. Then we have over time people with sickle cell disorders can experience damage to organs including the liver, kidney, lungs, heart and spleen. Death can also result from complications of the disorder, right. So ye extreme is death or severe pain aur ye sab iske symptoms hai, not important, ye puche nahi jayenge aapse. Let's see ki plan kya hai, plan to tackle sickle cell anemia in tribal population. Government ka kya plan chal raha hai iske upar dekhte hain ki government, how is government tackling. Number one to deadline, Government of India is planning to launch a mission to eliminate sickle cell disease by 2047. Next is, the mission will entail awareness, creation and universal screening of 7 crore tribal people in the age group of 0 to 40 years, jo sabse zyada vulnerable hote hain, in tribal areas and counseling through effective measures of ministries and state government. Matlab, सारी एजेंसीज का, जितनी भी रेलिवेंट एजेंसीज हैं उनका यूज करके उनकी स्क्रीनिंग और काउंसलिंग दोनों होगी. द स्क्रीनिंग प्रोग्राम विल बी डन इन अप्रॉक्सीमेटली 200 डिस्ट्रिक्ट्स. द स्क्रीनिंग विल बी डन थ्रू पॉइंट टेस्ट. सो पॉइंट टेस्ट सर बेसिकली जो वो छोटे से पिन होती है, पिन के साथ में आप प्रिक करके जो निकालते हैं पॉइंट टेस्ट, तो उसके थ्रू ये जो है वो टेस्टिंग होगी. बोथ मैन एंड वुमेन विल बी टेस्टेड एंड इफ बोथ आर फाउंड पॉजिटिव adequate counseling will be given to them including the fact that they should not indulge in matrimony with each other as their children could also be seen carrying the same disease, right. ki unko counseling ka jo part hum abhi upar likha hua tha, counseling ki jo hum baat kar rahe the wo yahi hai, including the fact that they should not indulge in matrimony, right. aur ye kaise achieve karenge, the color coded card will identify this, कि आप इन दोनों के बीच में मैट्रिमनी ना हो तो सही है. The funds for the mission will be dispersed through National Health Mission. Again, a data point, एक factual सा point है, इसके ऊपर भी जो है वो सवाल पूछा जा सकता है कि funds कैसे कैसे आएंगे, किसके through आएगा. NHM के through आने वाले हैं, है ना, और इसकी जगह आपको कुछ और लिख के सवाल में जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है कि NHM की जगह कुछ और लिख दिया और उसके हिसाब से सवाल बना दिया. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फंड्स फॉर द मिशन विल बी डिस्पर्स थ्रू NHM नेशनल हेल्थ मिशन एंड स्टेट्स विल रिसीव 60% ऑफ द फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मतलब इसकी जो डिवीजन है दैट इज 60-40 एंड 40 फ्रॉम द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन. सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक. आई होप कि अगर इससे कोई सवाल आएगा तो आप उसको कर ही दोगे. इसके बाहर कुछ है नहीं है जो इस टॉपिक के अंदर और पढ़ा जा सकता है. And thanks for watching. And this is Abhimanyu IAS. And Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and PCS examinations. Has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. My name is Rohit Garcha and you are watching Abhimanyu IAS.